कुछ इस तरह का लग रहा है हमारा क्रिसमस ट्री। कल रात को हमारे पास स्टे किया था एंड ये हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, और परसों लगभग 8:30 बजे मेरी बात हुई इनसे, उसके बाद फाइनल हुआ था। तो क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अर्पण सिंह है। अच्छा, होटल अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, यहाँ से रूम्स तो काफ़ी अच्छे हैं, क्लीनिंग भी ऑल गुड है, खाना भी अच्छा है, ऐसा नहीं है जैसे खाना बाहर रेस्टोरेंट बड़ा स्पाइसी है, मतलब घर टाइप का खाना है, और विजिटिंग पॉइंट भी पास पास है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, इजीली कैब मिल जाएंगी आपको, आपको एक्टिव अभी रखी जी, अभी आप हायर कर सकते हैं। अच्छा, 5 स्टार जी। थैंक यू सो मच। परेशानी सुबह किस समय गए क्या चीज़ हम आपको? अच्छा, जबकि आप अपनी गाड़ी नहीं लाए थे। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने होटल मोरा से, एंड मैं खड़ा हूँ अभी पार्किंग में, जिस पीछे अपनी लवली कार खड़ी है एंड ये अपने गेस्ट रुके हैं, उनकी गाड़ी है। बाकी पीछे का जो नज़ारा है कुछ इस तरह का हो रहा है, एंड आज हमने कल रात को मतलब हमने पूरे में लाइट्स लगा दिए, ये लाइट्स अभी मतलब दिन में तो नहीं दिखाई देंगी, बट आज शाम को हम दिखाने वाले हैं, तो यहाँ से लेकर नीचे तक का पूरी बिल्डिंग पे लाइट्स लगा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो हमारे पास हमारे सब्सक्राइबर्स भी स्टे कर लग गए हैं, एंड अभी 3 फैमिली आई हुई हैं जिन्होंने स्टे किया है, तो ये अपने सब्सक्राइबर ही है, अभी आएंगे उनसे रिव्यू भी ले लेंगे। तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने लगभग 3:30 से 4 बजे के आसपास में चेक इन किया था, उसके बाद फिर वो लोग आसपास में घूमे, जो कैफ़े हैं बेलपत्र, आई हार्ट कैफ़े और लैक्मी डाइन, वो सारी चीज़ें घूम कर आए, उसके बाद फिर उन लोगों ने यहाँ रात को 8-9 बजे टाइम डिनर किया है, और सुबह 6 बजे उठने के बाद फिर वो लोग कैची धाम चले गए, कैची धाम बहुत पास में ही है, तो कैची धाम भी घूम कर आए, अभी उनसे रिव्यू भी लेंगे, यहाँ का जो फूड था वो कैसा रहा, एंड स्टे कम्फर्टेबल था तो उनको मज़े आए नहीं आए यहाँ पर, स्टे करने के बाद कैसा लगा वो सारी चीज़ें पूछनी है। बाकी बिल्डिंग कुछ इस तरह लग रही है अभी, और अंदर के जो रूम से हमने क्लीनिंग इतनी ज़्यादा करा दी है कि मतलब स्टाफ को 3 दिन से मैंने इसी काम में लगा रखा है बस, तो अभी दिखाता हूँ आपको अंदर भी। तो ये सामने वाला एरिया बिल्कुल साफ़ करा दिया हमने, सामने कूड़ा पड़ा है तो ये कूड़ा भी गाड़ी आएगी वो भर के ले जाएगी, और ये जो पार्क देख रहे हैं बहुत शानदार लग रहा है, पूरा क्लीन कर दिया।
तो कल रात को हमारे पास स्टे किया था एंड ये हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, और परसों लगभग 8:30 बजे मेरी बात हुई इनसे, उसके बाद फाइनल हुआ था। तो क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अर्पण सिंह है। अच्छा, होटल अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, यहाँ से रूम्स तो काफ़ी अच्छे हैं आपके, क्लीनिंग भी ऑल गुड है जी। खाना भी अच्छा है, ऐसा नहीं है जैसे खाना बाहर रेस्टोरेंट में बड़ा स्पाइसी है, मतलब घर टाइप का खाना है, और विजिटिंग पॉइंट भी पास पास है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, इजी कैब मिल जाएगी आपको। अब तो एक्टिवा अभी रखी है इन्होंने, तो एक्टिवा भी आप हायर कर सकते हैं, घूम सकते हैं जी। बाकी ओवरऑल स्टे बड़ा अच्छा, दिक्कत नहीं आएगी आपको? हाँ, नाइट स्टे में ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मैं और मेरी मदर ही थी, काफ़ी सिक्योरिटी वाला माहौल है, आप लोग चाहे तो आगे विजिट कर सकते हैं, रह सकते हैं। थैंक यू, सबसे 5 स्टार है। अच्छा, 5 स्टार जी। थैंक यू सो मच। क्योंकि रात को नाइट में कोई परेशानी नहीं, तो ये सबसे सेफ है हमारे लिए, मतलब सेफ्टी पर्पस बहुत रहता है। अच्छा रहा। सुबह किस समय गए कैची था हम आप लोग? सुबह इजीली 8 बजे हम लोग को कैब इजीली मिल गया था, यहाँ से 8 बजे निकले थे। अच्छा, जबकि आप अपनी गाड़ी नहीं लाए थे? हाफ एन आवर में उन्होंने पहुँचा दिया जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, कल रात को स्टे किया था एंड इन्होंने रिव्यू दिया जो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिव्यू है। तो एंड एक स्कूटी जो उनको चाहिए थी, फिर मैंने आज ही सुबह मॉर्निंग में मंगा कर रखी, लेकिन हालांकि इन लोगों ने टैक्सी कर ली थी, अभी टैक्सी वाला थोड़ा लेट आएगा, तो मैं अपनी गाड़ी से ही छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ से कम 10 मिनट लग जाएंगे टैक्सी वाले को, उनको थोड़ा सा जल्दी है, और मुझे भी काम है भीमताल तक, तो उनको ड्रॉप कर दूँगा एंड अभी चलते हैं फिर नीचे भीमताल की तरफ। तो फाइनली इन्हें ड्रॉप कर दिया है, अभी मुझे थोड़ा काम है, तो अभी काम करते हैं, उसके बाद चलेंगे फिर अपने होटल पर। काम निपट गए सारे, अभी चलते हैं होटल पर। तो अभी होटल पहुंच गए एंड इधर चल रही है हमारी बॉनफायर की तैयारी। तो अभी जो हमारे गेस्ट हैं, इन सब ने खाना खाया है एंड उसका फीडबैक जो है हम लेने जा रहे हैं। मैंने पढ़ लिया। हाय, माय नेम इज सुब्रतो कुंडू। अच्छा, मैं इधर फर्स्ट टाइम आया हूँ। अच्छा, विजिट करने के लिए। तो यूट्यूब में डालेंगे। बेसिकली हम लोग अनफॉर्चुनेटली ये जगह चूज किए, क्योंकि बहुत सारा रास्ते में खाने का होटल था जी, फिर खाने का जगह था, रुकने का जगह था, चलो चलते चलते हम लोग इधर रुक गए। अच्छा। रुक के इतना अच्छा खाना मिला। हाँ। और इतना आप लोगों का सब तरफ से हेल्प मिला जी। तो बहुत बहुत मेरा टीम बहुत हैप्पी हुआ है। थैंक यू सो मच। खाने का क्वालिटी भी अच्छा है। अच्छा, तो एक्स्ट्रा फैसिलिटी हम लोगों को मिला, हम लोगों को वॉशरूम। अच्छा, तो वॉशरूम में सब हैप्पी है, चिल्ड्रेन है, लड़की लोग है, तो सब हैप्पी हुआ है। अच्छा सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो सभी को खाना अच्छा लगा ना? हाँ हाँ हाँ, अच्छा। थैंक यू सो मच। खाने का टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। ओके, थैंक यू। और अब करते हैं क्रिसमस की तैयारी। यहाँ पर एक ट्री सजाना है, उस पर लाइट्स लगानी है और बहुत सारे काम हैं वो करने हैं। चलो पहले ये सब कर लेते हैं, और शाम को यहाँ क्राउड बहुत बढ़ने वाला है, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आने वाले हैं, तो इन सब की तैयारी करते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे आपसे। तो फाइनली हमने क्रिसमस ट्री का डेकोरेशन कर दिया है, जो थोड़ा काम रह गया वो कर रहे हैं अभी, बहुत सारा सामान है जो लगाना है अभी। फाइनली अपना क्रिसमस ट्री तैयार हो गया है, तो अभी मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह का लग रहा है अभी। क्रिसमस ट्री हो गया रेडी, तो अभी आपको क्रिसमस ट्री दिखाता हूँ। कुछ इस तरह का लग रहा है हमारा क्रिसमस ट्री।
भैया।